पूरी डिबेट के अंदर कि अब बीजेपी ने बैठे बिठाए कर्नाटक का जो मुद्दा थाली में परोसकर कांग्रेस को दे दिया है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? नहीं तिलक जी, देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, 2014 में और ऑनवर्ड्स उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी का उद्घोष वाक्य जो मूल मंत्र था वो नैतिकता ही था। और इन्होंने देखिए, आपका पहला प्रश्न जो आपने पूछा वही आपके सारे प्रश्नों का जवाब है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबने पत्थर मारे हैं। हाँ, तो इनका जो मुद्दा था, जो सारी चीजें थी, ये जो सत्ता में आए थे कि भाई हम बड़े नैतिक हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दो चार साल में नैतिकता क्या है वो दिख गई है। मैं इसको स्ट्रीट पॉलिटिकल स्ट्रीट स्मार्टनेस जरूर बोल सकता हूँ, बाई हुक और बाई क्रुक आप गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन क्वेश्चन जहां नैतिकता का होता है वहां एक बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार, सारी पार्टियों ने पहले भी इससे भी गए गुजरे काम किए हैं सत्ता को पाने के लिए। और देखिए ये एक लोलुपता है, लोलुपता होने का मतलब जैसे धृतराष्ट्र एकदम अंधे हो गए थे अपने पुत्र मोह में, वैसे ही मुझे ये लगता है कि बीजेपी भी सत्ता के मोह में इतनी अंधी हो गई है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सारे राज्यों में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, तो केवल कर्नाटक के लिए आप क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं? आप ही बोल दो कि भाई चलो आप पहले सरकार चला करके देख लीजिए। तो ये दिखाता है कि सत्ता के लिए कितनी लोलुपता है, और तीनों दलों की है। मैं कांग्रेस और जेडीएस का भी बोलूंगा कि इलेक्शन के पहले तक जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने थे, और 36 का आंकड़ा था, वोटिंग होने के बाद 10 मिनट के भीतर दोनों लोग ऐसे मिल गए अपने मतलब सत्ता की लोलुपता के कारण और अपने आप को बचाने के लिए। ये सारी चीजें ये बताती हैं जो पब्लिक के सामने, देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब नंगे हो गए हैं। आप इसको लोकतंत्र बोलेंगे, मैं बोलूंगा ये सत्ता का लूट तंत्र में, पर ये हमारा जो लोकतंत्र है ना, सत्ता का लूट तंत्र में परिवर्तित हो गया है। एक सेकंड एक मिनट, 20 सेकंड जल्दी से। नहीं देखिए चावला जी, मैं आपको बता दूं, गुजरात इलेक्शन के बाद मैंने एक टीवी पे स्टेटमेंट दिया था, नो मोर क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी। उसके बाद से बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, अल्पमत में मतलब पूरा बहुमत नहीं ले पा रही। रही बात आपका, एक क्वेश्चन बड़ा जेन्यून था कि सारी पार्टियों के पास ऑप्शन क्या है। देखिए फ्लोर टेस्ट तो होना ही होना है इसमें। कांग्रेस और जेडीएस के पास ये है कि अगर आप अपने एक एक विधायक को फेविकॉल की बॉन्डिंग देकर के अपने साथ रख सकते हैं तो बीजेपी का सारा मिशन फेल हो सकता है। और दिन मिल गए हैं। नहीं 15 दिन की ही मैं बात कर रहा हूं, जब तक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बीजेपी क्या है, अगर बीजेपी ने ये कदम बढ़ाया है तो डेफिनेटली वो उसको मुकाम तक पहुंचाना चाहेगी। हॉर्स ट्रेडिंग वो कभी इसको नहीं बोलेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी कि लोग खुद मोटिवेट होकर के आए हैं। ठीक है, ठीक है।